मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर वन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हम डिस्कस कर रहे थे। आर टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या क्या हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस? नंबर वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर टू इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर थ्री इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर फोर इज डबल डिस्प्लेसमेंट एंड नंबर फिफ्थ इज रिडॉक्स रिएक्शन। सो वी विल डिस्कस दीज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस वन बाय वन। सबसे पहले हमारी रिएक्शन कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वो रिएक्शंस जहां पे दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं और एक नया सिंगल सब्सटेंस फॉर्म होता है, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2Mg+O2 गिव्स 2MgO, यानी मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O लिक्विड। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म H2O वाटर लिक्विड। कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वो रिएक्शंस जहां पे दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं और एक नया सिंगल सब्सटेंस फॉर्म होता है, उन रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, जहां पे एक कंपाउंड जो है दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में टूट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन का क्या मतलब है? टूट जाना। तो उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। दे आर जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन का क्या मतलब है? व्हेन डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट, यहां पे इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करेंगे, और फोटो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स हैं जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड, जब हमने हीट करा इसको तो इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CaO प्लस CO2 गैस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें FeSO4 फेरस सल्फेट, जो कि ग्रीन कलर का होता है, जब इसे हम हीट करते हैं तो इट चेंजेस टू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस में एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में। 2FeSO4 हीट करा Fe2O3 सॉलिड प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वॉटर में, जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करा वॉटर का हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करा तो इट स्प्लिट्स इनटू 2H2 गैस प्लस O2 गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में स्प्लिट्स हो गया। फोटोलेटेड डिकम्पोजिशन का क्या मतलब? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। 2AgCl सिल्वर क्लोराइड को जब हमने इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करा तो इट डिकम्पोजेस टू सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। ऐसे 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डिकम्पोजेस टू फॉर्म 2AgSilver प्लस ब्रोमीन गैस। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है? कि वो रिएक्शन जहां पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, उसकी सॉल्ट सॉल्यूशन से, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमें कैसे पता चलेगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है और लेस रिएक्टिव एलिमेंट कैसे है? तो रिएक्टिविटी सीरीज है जहां पे जो एलिमेंट्स है अरेंज्ड है अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, मर्कुरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये सारे रिएक्टिविटी सीरीज है जहां पे एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज। नाउ रिएक्शन हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट CuSO4 का सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन, जब जिंक के साथ रिएक्ट, हमने जिंक जो है हमने एक बीकर में
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर जिंक रॉड डाली, तो हमने क्या देखा, हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे जिंक क्या है, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज जिंक जो है मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। यहाँ पे ये जिंक है और ये कॉपर है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी सॉल्ट सॉल्यूशन से, उन रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो जिंक डिस्प्लेस करेगा कॉपर को उसकी सॉल्ट सॉल्यूशन से और क्या फॉर्म हो गया, ZnSO4 प्लस Cu, कॉपर रेडिश ब्राउन डिपॉजिट हो गया जिंक के ऊपर। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन प्लस हम आयरन के साथ, जब हमने आयरन रॉड डाली तो हमारे को क्या मिला, FeSO4 एक्वस प्लस Cu। FeSO4 फेरस सल्फेट जो कि ग्रीनिश कलर का सॉल्यूशन है प्लस रेडिश ब्राउन कॉपर डिपॉजिट हो गया। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।